हाय, वेलकम टू वीआर लर्नर्स। हम आपके लिए ऑनलाइन ट्यूशन शुरू कर रहे हैं, जिसमें क्लास टेन मैथ्स के सारे चैप्टर्स डेली अपलोड करेंगे। रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं। मोरओवर, हर वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे, जिनका कमेंट में रिप्लाई जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। नाउ फोर्थ क्वेश्चन का फिफ्थ स्टेटमेंट देख रहे हैं। यहाँ हमें दिया गया है, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर A इज इक्वल्स टू जीरो डिग्री। दैट मीन्स एंगल A का, दैट इज हमारे रेफरेंस एंगल का, यदि डिग्री मेजरमेंट जीरो डिग्री हो, तो ऐसे में cot A की जो वैल्यू होगी उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। आइए इसको हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। यहाँ हमने राइट ट्राइंगल कंसिडर किया है, ट्राइंगल ए बी सी। इसमें आप देख सकते हो एंगल B जो है ये 90 डिग्रीज का एंगल है, और हमारे रेफरेंस एंगल एंगल A है। नाउ इसका मैंने मेजरमेंट लिख के रखा है, एंगल A का मेजरमेंट इज नाउ फिलहाल 73 डिग्रीज। और हम जानते हैं cot 73 डिग्रीज, दैट मीन्स cot थीटा बोल लीजिए, हम जानते हैं व्हाट इज दैट, दिस इज बेस बाय परपेंडिकुलर। अब देखिए, मैं रेफरेंस एंगल इसका मेजरमेंट यदि घटाती हूं, तो आप देखिएगा कि जो परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स ये जो दो पॉइंट्स हैं बी और सी, ये दोनों करीब आएंगे, क्लोज आते जाएंगे। आप देखोगे परपेंडिकुलर जो है बी सी, इसका लेंथ छोटा होते जा रहा है। देखिए थीटा का मेजरमेंट मैं जैसे जैसे घटा रही हूं, आप देखिए परपेंडिकुलर का मेजरमेंट छोटा होते जा रहा है, दैट मीन्स बी सी छोटा होते जा रहा है। और देखिए इस रेशियो में आप देखिए, या आप कह लीजिए इस फ्रैक्शन में आप देखिए, ये परपेंडिकुलर कहाँ है, डिनोमिनेटर में है, क्योंकि देखिए ये बेस बाय परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर कहाँ है, डिनोमिनेटर में है। और हम जानते हैं डिनोमिनेटर यदि जीरो हो जाता है, दैट मीन्स यहाँ देखिए यदि थीटा जीरो हो गया है, यहाँ रेफरेंस एंगल का मेजरमेंट यदि जीरो हो गया है, तो देखिए परपेंडिकुलर क्या हुआ, ये जीरो हो गया, बी और सी दोनों कोइंसाइड हो गया, और परपेंडिकुलर यहाँ जीरो हो गया, और परपेंडिकुलर है यहाँ डिनोमिनेटर में। और हम जानते हैं एक फ्रैक्शन में यदि डिनोमिनेटर जीरो होता है, तो ऐसे को हम डिफाइन नहीं कर सकते। यदि डिनोमिनेटर में जीरो हो, तो ऐसी चीज को हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसीलिए देखिए cot जीरो डिग्री जो होती है, इसका हम वैल्यू को डिफाइन नहीं कर सकते। सो हम जानते हैं कि cot जीरो डिग्री, इसका वैल्यू क्या होता है, हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। सो यदि एंगल ए की डिग्री मेजरमेंट यदि जीरो डिग्री हो, तो cot ए क्या हो जाएगा, cot ए बोलिए, या cot एंगल ए होता है बेसिकली ये, पर हम इसको लिखते कैसे हैं, cot ए। सो यदि एंगल ए का मेजरमेंट जीरो डिग्री होता है, तो ऐसे में cot ए विल बी इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड, हेंस हमारा जो गिवन स्टेटमेंट है ये ट्रू है। आइए देखते हैं आज के सवाल। आप जल्दी से कमेंट पे इनके रिप्लाई करें। मोरओवर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं, सो दैट आपको हमारे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहे। सो आज के लिए यहीं तक, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।